नमस्कार दोस्तों, कोरोना टाइम और लॉकडाउन में छत पर भिंडी कैसे उगाएं। न्यू व्यूअर्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो सोइल ली है, मिक्सर लिया है, उसमें 40% गार्डन सोइल है, 30% कंपोस्ट है, 30% कोकोपीट है। ये मेरा लड़का है छोटे वाला अर्पण, और ये मेरी मदद करता रहता है और परेशान करता रहता है ना। अब क्या करेंगे, ऐसा कोई गमला लेना है जिसमें ड्रेन होल हो और उसमें ये हम अपनी जो मिक्सर है, सोयल मिक्सर है, वो डाल लेंगे आराम से। अब भिंडी के बीज लेने हैं एक एक, और थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे एक एक दो दो उंगल का, उंगल का मतलब मोटाई की उंगल का, और ऐसे, और इतने देने कि दिखने चाहिए। देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, दिख रहे हैं आराम आराम से, इतने ही बस। ज़्यादा नीचे दोगे जर्मिनेशन नहीं होगा। को इसी सोयल मिक्सर का हल्की सी लेयर इसके ऊपर घेर देनी है, और आराम से पानी ऐसे नहीं गिरना, डायरेक्ट स्प्रे कर देना है। अब हम देखेंगे सीडलिंग के 4 दिन बाद, देखिए आप इसमें हल्का हल्का जर्मिनेशन चालू हो गया है बहुत अच्छे से। अब देखिए आराम से ये वाला भी, जितने मैंने सीड बोए थे जर्मिनेशन होना लगभग अप्रोक्सीमेट चालू हो गया। अब ये 5वें दिन है सीडलिंग से, ये देखिए 5 जर्मिनेशन हुई है सीडलिंग की, 7-8 में से 5 हुई है, बहुत अच्छी रेशियो है जर्मिनेशन का। अब इसको जर्मिनेशन के 10 दिन के बाद देखिए ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको बड़े ध्यान से निकालना है हमें, ताकि इनकी जड़ों को टूटे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो गमले में पानी डाला और उसको नीचे से इसकी मिट्टी को तोड़ रहे हैं, ताकि इसकी जो हम सीधा डायरेक्ट औजार देंगे तो उसकी जड़ को नुकसान पहुँचेगा। अब इसकी जड़ों को ढीला कर लिया गया है बिल्कुल, मिट्टी इसने जो बाउंड था वो टूट गया, आराम से अब इसको रिमूव कर लेंगे। देखिए आप देखिए कितना बढ़िया इसका रूट फॉर्मेशन हुआ है, एक नंबर का। और ये इसको भी निकाल के देखते हैं, नहीं ये टाइट है, यही देखिए बिल्कुल एक नंबर, जिसे बोलते हैं रूट फॉर्मेशन हुआ, बिल्कुल जाल के बन के निकल के। अब हम एक मिनिमम 9 इंची का गमला लेंगे, मिनिमम, हाँ मैक्सिमम आप कोई भी ले सकते हो। इसके अंदर जो मिक्सर लिया है, सोयल मिक्सर लिया है, 40% गार्डन सोयल, 30% कोकोपीट और 30% कंपोस्ट। कंपोस्ट में आपका कुछ भी वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, काउडंग कंपोस्ट हो सकता है। नोट करने वाली बात है, जब भी कोई पौधे का आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो सिर्फ शाम के टाइम ही करें, ताकि वो सनबर्न से बच जाए, और ट्रांसप्लांट करने के बाद 1-2 दिन तक उसे छाया में रखें, ताकि आपका पौधा सनबर्न से बच जाए। देखिए मैं एक गमले में 2-2 भिंडी की पौधे लगा रहा हूँ, और बहुत ईजिली हो जाती है, कोई इशू नहीं आता है, केयर कीजिए। तो 44 दिन के बाद ये देखिए मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र गिर रहा हूँ, ये ब्लैक सा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा येल्लो है पन में, ये माइक्रोन्यूट्रेंट है जो NCF डॉक्टर चंद्रा जी ने जो जिस मेथड से बनाने को बोला है उसमें बनाया गया, और इसमें बहुत कुछ है, अमीनो एसिड है, NPK है टोटल, आपका कोई ज़रूरत नहीं आपको, ये टोटल ऑर्गेनिक है, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना लीजिए लाइफ टाइम आपका चलता रहता है। इसकी वीडियो मेरे इस पर मेरे चैनल पे अपलोडेड है, कैसे ये बनता है माइक्रोन्यूट्रेंट, बड़े प्यार से आप इसको बना सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर को हर 10वें दिन गेरता हूँ, और अब देखिए 51वां दिन क्या रिजल्ट आया। सिर्फ ये भिंडी का पौधा है 3-4 इंची का, और इसने अभी से ही फूल देना चालू कर दिया है, ना इसमें कोई केमिकल है, ना ही कोई, सिर्फ माइक्रोन्यूट्रेंट का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो NCF ने बताया था, उसी मेथड से मैंने बनाया, और उसकी वीडियो मेरे इस पर अवेलेबल है। अभी देखिए 60 दिन के बाद क्या रिजल्ट आया, भिंडी के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं फूल सारे, 1-2 पौधे ही हमारे छोटे रह गए बेचारे, ज़्यादा पानी जाने की वजह से, मेरा बेटा भी इसमें पानी देता है तो कभी कभी किसी गमले में जा। और हाँ, जो इसको पेस्ट से कैसे बताया जाए, इंसेक्ट जो आते हैं हमेशा जब भी आप स्प्रे कर रहे हो अपने किसी भी पौधे के अंदर, पत्ते के नीचे जरूर, ये देखिए 65वें दिन हमने हार्वेस्टिंग चालू कर दी है इनकी, वैसे तो हो जाती है 60-65 दिन में हमेशा हो जाती है। ये मेरा बड़े बड़ा लड़का है आदमी के, ये कर रहा है, इनको इसको सीखा है। ये देखो इसके हाथ में कुछ ना कुछ पटपोटन है, कब से खा जाएगा, इसके लिए रोज़ छत पे आता है पटपोटन खाने के लिए, और रोज़ एक तोड़ के खाएगा। ये देखिए भिंडी बिल्कुल थोड़ी सी पक गई, लेट हो गए हम तोड़ने में, तो नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि टाइम पे टूट जाए। तो मैं बात कर रहा था कि पेस्टिसाइड की, तो पत्तों के नीचे ज़रूर मारा है, और जो आप मारते हो क्या बोलते हैं लगाते हो नीम ऑयल का स्प्रे, नीम ऑयल बाज़ार का ना हो,
क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल है, नीम तो डालते हैं, ऑयल पता नहीं कैसा होता है, मैंने लिया था वो, स्मेल आती है पेट्रोल पेट्रोल टाइप की, तो मैं उसको नहीं करता रिकमेंड, बिल्कुल पेट्रोल जैसी है। तो अपना होममेड खुद का बनाया है नीम ऑयल, नीम लीजिए। ऑयल का काम होता है कि जो आपने स्प्रे मारा है वो पत्तों पे चिपक जाए, ताकि उस पर कोई भी इंसेक्ट दोबारा खाए ना। तो इसलिए उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का यूज़ करें, नीम प्लस एलोवेरा को, उसका भी हम पे आपको पेस्टिसाइड बना के अपलोड कर देंगे वीडियो को, आप देखिएगा कैसे बनता है ये। और आप उसको स्प्रे कीजिए अपने पौधों पे, और सारे पौधे इंसेक्ट से आपके बचे रहेंगे। ये छोटे वाला बहुत दुखी करता है। ओके, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।